कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे चिप्स, क्योंकि अब आने वाली है होली और इस फेस्टिवल में हम सब रंग खेलते हुए स्वीट एंड स्नैक्स का मजा लेते हैं। तो आइए देखते हैं बिना झंझट और फटाफट किस तरह से हम अंकल चिप्स जैसे चिप्स घर पर ही बना सकते हैं, वो भी झटपट। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें लेना है आलू और सॉल्ट। मैं प्रेफर करूंगी कि आप रॉक सॉल्ट का यूज करें, और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। बस ये तीन चीजें हमें चिप्स के लिए चाहिए। तो चले देखते हैं कि इसे हमें बनाना कैसे है। मैंने यहाँ पे दो आलू का यूज किया है और इसे हमें छील के साफ कर लेना है। अच्छे तरीके से आपको इसे इसके छिलके को निकाल लेना है और इसे साफ कर लेना है। लीजिए, मैंने दोनों आलूओं को छील के साफ कर लिया है और अब इसे हम बीच से कट लगा देंगे, जिससे चिप्स निकालने में आसानी होगी और राउंड राउंड सुंदर सुंदर चिप्स बनेंगे। अब आपको लेना है एक चिप्स कटर और उसके ऊपर आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने हाथ को संभालते हुए हल्के हाथों से चिप्स कटर से चिप्स को कट करना है। देखिए कितनी फाइन चिप्स निकल रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बहुत पतले पतले चिप्स निकले हैं फ्रेंड्स। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। और इसी तरीके से हम सारे आलू के चिप्स बना लेंगे। देखिए कितना फाइन कटा है। इसे ना हमें रात भर भिगोना है और ना ही इसे बॉईल करना है और ना ही इसे धूप में डालना है। इस चिप्स में ये सारी जो मेहनत है वो बच गई। जब इतना सब कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, इसे उठाकर पानी में डाल देना है। मतलब एक बाउल में पानी लेके उसमें जो हमने चिप्स काट के रखे थे उसमें डाल देना है। मतलब आपको धो लेना है। रीजन, आलू तो हमने पहले ही धुला था, बट इसका रीजन क्या है कि जो हमारे चिप्स होंगे फ्राई करने के बाद वो काले नहीं पड़ेंगे। इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। और अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई करना है। देखा कितना आसान है। ऑयल है वो कंप्लीट हीट होनी चाहिए, मतलब कि ये जो चिप्स हैं इसे फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा और सारा चिप्स हाई फ्लेम पे ही निकलेगा। देख लेते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म हुआ है कि नहीं। एक चिप्स डालकर देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब एक एक करते हुए हम सारे चिप्स को जो हमने काट के रखा है वो डालते जाएंगे। बट हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि उठाकर एक बार में ही हमें सारे चिप्स को नहीं डालना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे एक एक चिप्स को ऑयल में दिया है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप एक साथ डाल दोगे तो जो आलू हैं, जो चिप्स हैं, वो आपस में चिपक जाएंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है। देखिए इसे आपको बार बार पलटते रहना है, नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा। देखा कितना आसान है। देखिए इसका कलर भी, जो आलू का कलर है उससे थोड़ा चेंज हुआ है, और आप खुद देख के समझ जाओगे कि ये चिप्स क्रंची हुआ है या नहीं। चिप्स के जो साइड्स हैं वो हल्के ब्राउन हो जाए तो भी समझ जाओ कि आपका चिप्स पक गया है।
मुझे पता है बहुत लोग को पता होगा कि कैसे फ्राई करते हैं, बट जो बिगनर हैं जिन्हें नहीं पता, ये सारी बातें उनके लिए हैं। इसे आप एक प्लेट में निकालिए। फ्रेंड्स, एक चीज का और ध्यान रखना है, आप एक बार में जितना चिप्स निकालोगे उतने ही चिप्स पे आप सॉल्ट स्प्रिंकल करोगे। मतलब कि आपको हर बार चिप्स निकालने हैं तल के और उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करने हैं। रीजन ये है कि सॉल्ट पूरी तरीके से चिप्स में डिसॉल्व हो जाए। वैसे ही पहले की तरह आपको सारे चिप्स को फ्राई कर लेना है। सॉल्ट डालते हुए इसे मिक्स करते जाना है। हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। देखिए, मैं इसे आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रंची है, कितना झटपट क्रंची अंकल चिप्स की तरह चिप्स तैयार है। वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड मम्मी आंटी मौसी चाची जितने भी मेंबर्स हैं फ्रेंड्स उन्हें शेयर करिए, ताकि इस होली धूप में पसीना ना बहाना पड़े, बस किचन में थोड़ा। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और बेल आइकॉन दबाए ना जाए। आप लोगों ने हमें अपना प्यार और टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ झटपट बनने वाली इनोवेटिव टेस्टी चटपटी रेसिपी के साथ।